नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। मौत की परछाई अब गांव को अपने साए में लेना शुरू कर चुकी है। शहरों में तो अस्पताल और सिस्टम ने मिलकर हालात को संभाल लिया, लेकिन देश की आत्मा कहे जाने वाले गांवों में अब सिसकियां सुनाई पड़ने लगी है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों के गांव इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली के ही गांव क्यों ना हो। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, हर एक कोना अगर आप देखेंगे तो इस मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि इस तरीके से तमाम राज्यों के गांव तक कोरोना जो है वो पैर पसार चुका है। हर जगह कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अब गांव को बचाने के लिए सिस्टम का जागना जो है वो शुरू हुआ है। कहीं ये देर देश की आत्मा कहे जाने वाले गांवों पर बहुत भारी ना पड़ जाए। सिस्टम की ये लापरवाही कहीं लोगों को अंधविश्वास की ओर ढकेल रही है तो कहीं मौत की ओर। चलिए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों के गांव में हालात कितने खराब हो चुके हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया शहर की बात करेंगे, जहां फेफना गांव की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। लाशों को नोचता कुत्ता, ये तस्वीर यूपी के बलिया की है। फेफना में गंगा नदी में बहती लाशें यहाँ अब सामान्य सी बात हो गई है। हालांकि अब प्रशासन थोड़ा सख्त जरूर हुआ है। देखते हैं कि लाश बहुत ज्यादा बहक जाती थी पहले, दो दिन पहले, मगर दो दिन से लाश इसमें कम हो गई है। और मतलब सिलसिला पहले तो अभी दो तीन लाश यहाँ लगी थी, उधर से बहुत और का करके फिर एक लाश तो अभी पाँच मिनट पहले निकल गई, दो लाश जो है अभी कुत्ते जो है खींचे रहे हैं, खींच के खा रहे हैं। मंगल पांडे का बागी बलिया बगावत भूलकर घरों में बैठा है, लेकिन कोरोना खुलेआम घूम रहा है क्योंकि यहां शमशान घाट पर चिताएं जलने का सिलसिला थम नहीं रहा। लेकिन नदी में लाशें बहाने पर जरूर प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ। सबको जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी शव को माँ गंगा में प्रवाहित ना किया जाए, और यदि किसी को अंत्येष्टि हेतु कोई आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध करवाई जा रही है, और लगातार 24 घंटे ये कार्यवाही की जा रही है। यदि कोई शव मिलता भी है तो उसका विधिवत क्रियाक्रम किया जा रहा है। अब कोरोना महामारी के बीच अगर नदी में लाशें बहाने पर रोक नहीं लगी तो और कितनी महामारियां देश में फैल सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया में लाशों से आतंक है तो मेरठ औरैया में पंचायत चुनाव के बाद से हालात हर रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ अभी तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कैसे हुई है? बुखार से, बुखार से, वायरस से, वायरस से नहीं, बुखार आया और 4-5 दिन प्लेटें चली गई। न चेहरे पर मास्क, न कोरोना का खौफ, और गांव में बुखार से 25 से 30 मौतें हो चुकी हैं क्योंकि गांव में स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। सर लगवाते नहीं, कहीं चीज से आदमी मर रहे हैं, नहीं लगवाएंगे। दो चार छह लोग हैं, कुछ भी भीड़ में थे, डर रहे लोग। क्यों? वो समझते कि वैक्सीन ना कर जाए। केवल इस गाँव की यह हालत नहीं है, अंधविश्वास का आलम हर गाँव में अलग है। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर के मेवला गोपालगढ़ गांव में सरकारी सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही तो लोग नीम की छांव में ही कोरोना का इलाज करने में जुटे हुए हैं। आपको पता है 3-4 मौतें होंगी, फिर भी आप और डर रहे हैं तो घर पे क्यों नहीं रखा इनको? आप एक ये भी तो बता सकते हैं क्या घर पे क्या संक्रमण का डर था? घर पर ये नहीं, पेड़ के नीचे थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है, मतलब और रोग नहीं फैले घर पे, शुद्ध हवा मिले बाहर, नीम का पेड़ ऑक्सीजन देता है, या मुझे दिन पे दिन आराम मिलता चला गया, मैं चुनाव के टाइम से बीमार हूँ। अब अंधविश्वास इनको कोरोना से बचाएगा या सरकारी सिस्टम को एक्टिव होकर इन अंधविश्वासों को तोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना से हालात खराब हैं। ग्रेटर नोएडा के गांव में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दादूपुर गांव की 20% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। पिपलिया गांव में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली के बेहद करीब होने के बावजूद न तो गांव में टेस्ट हो रहा है और न ही इलाज की कोई व्यवस्था अभी तक की गई है।
परसों 2:30 बजे के बाद में जो है एकदम ही सीरियस वे हो गया, गैर खत्म हो गया। हाथ जोड़ के गुरुदारी से गांव को बचाएं। गांव में महामारी बहुत भयानक रूप ले चुकी है, सरकार तक आप हमारी बात पहुंचाएं। ये गुहार एक गांव में रहने वाली एक महिला की है और जिस गांव की ये महिला है वो दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, टीम भेजो, सैनिटाइजर कराओ। ग्रेटर नोएडा के पिपलिया गांव में हालात भयानक हैं। ना तो टेस्ट करने के लिए प्रशासन पहुंच रहा है और ना ही सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था है। दनकौर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर है ग्रेटर नोएडा का दादूपुर गांव। इस गांव में कोरोना से हालात भयानक हैं। 4,000 की आबादी वाले इस गांव में 20% से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना की दूसरी लहर में 40 साल से कम उम्र के 14 से ज्यादा लोगों की गांव में मौत हो चुकी है। गांव में मातम के लिए पहुंच रहे लोगों का कहना है कि कोई इलाज नहीं मिल रहा, गांव में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में जांच होती है? कुछ जांच नहीं है काय की। दादूपुर गांव से महज 8 किलोमीटर दूर है दनकौर का अस्पताल, लेकिन इस अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई नर्स। यानी यूपी के गांव की आबादी कोरोना काल में राम भरोसे है। कोरोना के रूप में यमराज अब राजधानी दिल्ली के गांवों तक पहुंच चुका है। शहरों में लोगों की सांसें रोककर अब गांव में सिस्टियां मार रहा है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर से सटे सभी गांव में मातम पसरता जा रहा है। देखिए दिल्ली के गांव की हालत क्या है। कुतुब मीनार वाले दिल्ली में मौतों की मीनार खड़ी हो रही है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मौत का वायरस यहां के गांवों को अपनी जद में ले चुका है। संसद से 40 किलोमीटर दूर बसे कुतुबगढ़ गांव में हर रोज 2 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है। हमारे गांव के ऐसे हालात हो रहे है कि सोच भी नहीं सकते। नहीं तो प्रशासन कभी पूछ रहा, नहीं कोई मेडिकल व्यवस्था वाले पूछ रहे। हर घर में मरीज पड़ा है, डरते टेस्ट नहीं करा रहे, टेस्ट की सुविधा भी नहीं है। न तो अगर गांव में घर के लिए टेस्टिंग करवाई जाए ना, हर घर में मरीज पड़ा है। कुतुबगढ़ गांव में महामारी का कहर भी लापरवाही की वजह से टूटा। शुरुआत में लोगों ने जांच नहीं कराई, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के बजाय महफिल सजाकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। कुतुबगढ़ गांव की आबादी 18,000 है। अस्पताल 20 किलोमीटर दूर नरेला में है। यहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। 50,000 से 80,000 में सिलेंडर मिल रहे हैं। कोई सरकार का बंदा या मतलब कोई ये नहीं है कि भाई कोई व्यवस्था हो, मतलब जीवन रक्षा, उसका ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं हमारे। लगभग मतलब गांव में समझो हर परिवार में एक दो अभी भी आप जाके, हाँ गांव में पता करो आप जाके। केवल कुतुबगढ़ नहीं, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर के सैकड़ों गांव कोरोना के गिरफ्त में है। और चंदी, खेड़ा कला, नरेला, बवाना, कुतुबगढ़, दरियापुर गांव में एक तिहाई आबादी कोरोना के सितम झेल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के दरियापुर गांव में हूं और गांव के लोगों ने बताया कि एक माह के दौरान मरे ग्रामीणों को बुखार हुआ था और साथ ही साथ से बुखार के बाद ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी और सही समय में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई है। यहां पे गांव में सिर्फ एक डिस्पेंसरी है जिससे कुछ दवाइयां दी जाती है, उनमें भी वो दवाइयां नहीं है जो कि कोरोना मरीज के जिनमें कोरोना के लक्षण होते हैं उनको जो दवाइयां दी जाए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बसे दरियापुर गांव में 15 दिन में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी खराब रही है। नेक्स्ट में पिछले मंथ तो मैडम बहुत ही कई ज्यादा ऐसी मौतें हुई इस गांव में, को कई मौतें हुई है इसमें कोरोना की वजह से। अब इसी हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी कई मौत हुई है इस गांव में कोरोना की वजह से। युवाओं की हुई है सर, हुई है मैम, कईयों की हुई है। युवाओं की तो काफी, ये लगा लो कि 40 से ऊपर के कई क्यों हो चुकी है इस गांव में कोविड से। इस गांव में कोविड, हाँ जी।
दिल्ली का सच देश के बाकी गांवों की तरह डराने वाला है। अगर दिल्ली में सिस्टम सक्रिय नहीं हो पा रहा है तो देश के बाकी हिस्से तो राम भरोसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के गांवों में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिना इलाज के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है। राजस्थान के गांवों में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। गांवों में लगातार लोगों की मौत हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का टोटा है। सीकर जिले के रोरूबाड़ी गांव में हालात भयावह है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव में 12 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा नदारद है। सीकर जिले में लगातार कोरोना से मौत के बाद भयावह स्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीण इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ना ही तो वहाँ किसी तरीके की कोई व्यवस्था है, ना ही डोर टू डोर सर्वे है। मेडिकल विभाग की ओर से पूरी लचर व्यवस्था देखने को आ रही है, जिसको लेकर के ग्रामीण इलाकों में भारी आक्रोश है। अब सरदार शहर की इन तस्वीरों को देखिए। कोविड केयर सेंटर तक महिलाएं पहुंची, लेकिन घंटों तक उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। दोनों महिलाएं आंगन में ही तड़पती रही, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी उन्हें देखने नहीं पहुँचे। इसको मैं 12 बजे ले आगे यहाँ घेरी थी, कोई कार्रवाई नहीं चल रही इसकी। मेरी माँ को यहाँ पर कंठ सा रुक रहा है, धांसी से आती है, ये कोई कार्रवाई नहीं करे हॉस्पिटल के अंदर। क्या कहता है, ले जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से, यहाँ से रेफर कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, कोई सुनाई नहीं करिया गरीब की। डॉक्टर का कहना है कि कोविड सेंटर में न तो बेड खाली है और न ही ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऐसे में मरीज को एडमिट नहीं किया जा सकता। अशोक गहलोत भले ही राज्य में बेहतर सुविधाओं के दावे करते हों, लेकिन राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना विस्फोट हो चुका है और प्रशासन अब तक तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं नदारद हैं। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके पड़े हैं और मरीज राम भरोसे। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही। आलम यह है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल के ग्रामीण इलाकों में ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं और सरकार गहरी नींद में सो रही है। राजधानी भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर हम मौजूद हैं और यहां पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। हमें लगा कि यहां पर इलाज हो रहा होगा, लोगों को मास्क का वितरण किया जा रहा होगा, सैनिटाइजर बांटा जा रहा होगा, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोग्यम लिखा हुआ है और यहाँ ताले लटके हुए हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र है। एमपी के गांवों में कोरोना के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, न तो टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं और न ही ट्रेसिंग की जा रही। कई लोगों में कोरोना के लक्षण है, लेकिन सरकारी महकमा अभी खजुरी कला गांव से दूर है। यहाँ पर 2-3 फेसेस में इस तरीके से काम किया जा रहा है। एक तो पहले सैंपलिंग की जा रही है लोगों की, जहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई करके कि कोई व्यक्तियों में संक्रमण तो नहीं है, और दूसरा उनको संबंधित जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भेज के, ताकि जहां जिसका आयुष्मान कार्ड वगैरह उनको उसका लाभ मिल सके। भोपाल के कई गांवों में रोजाना 20 से 25 नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सर्वे करने के लिए कहा गया है। रेगुलर हमारे पास आते हैं 25 से 30 पेशेंट आते ही हैं, जिनको सर्दी जुकाम है, किसी को फीवर है ना, किसी को घबराहट हो रही, फिर हमारे चेक करते हैं, फिर पूछते हैं गले में किसी को खराश है। जब भोपाल में ये हालात खराब है तो बाकी मध्य प्रदेश में अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं शायद राम भरोसे ही चल रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना से हालात भयावह हैं। जिले के 80% मरीज ग्रामीण इलाकों से ही हैं। हालांकि सरकारी विभाग अब भी नींद में है और गाँव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लिए कोई बंदोबस्त अभी तक नहीं किया। मध्य प्रदेश के गांव अब कोरोना का हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। शुरुआती दौर में गांव वालों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसका खामियाजा आज सभी भुगत रहे हैं। आलम यह है कि रतलाम में रोजाना मिलने वाले कोरोना मरीजों में 80% ग्रामीण इलाकों में से। कोरोना संक्रमण का मेन कारण बनने का ये है कि गाँव में शुरू में हल्का लिया गाँव वालों ने, और इसकी पीछे गंभीरता नहीं बरती, मास्क लगाया नहीं, जिसकी वजह से ये हालात हुए हैं। सरकारों ने भी ग्रामीण इलाकों पर ध्यान नहीं दिया। अब तक गांवों में टेस्टिंग और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
अभी अभी मौतें काफी होने लगी है, पर पंचायत ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक भी सैनिटाइजर नहीं हुआ है, पूरे गांव में छिड़काव नहीं हुआ है। और जिसके यहाँ कोरोना हो रहा है उनसे पूरा वो फीडबैक ले कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, फिर उन्हें वो उपचार और सुविधाएं अवेलेबल करवाए। कोरोना विस्फोट के बाद सहमे गाँव वाले अब टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। डर का आलम यह है कि ग्रामीण अब पूरे दिन खेतों में ही बिता रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है और घरों को कोरोना से बचाने के लिए गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा है। ये पानी गंगा जल दिया है और पूरे गांव के जो कांकड़ बोलते हैं उस कांकड़ गांव का जो घेराबंदी बोलते हैं उस पे छिड़काव किया जाएगा। प्रशासन अब तक सुस्त बना हुआ है, लेकिन गाँव वालों ने अब खुद ही कोरोना से बचने का बीड़ा उठाया है। गाँव से बाहर जाने के रास्तों को बंद कर दिया गया है, पुलिस भी अब गाँव के बाहर बैठ गई है और बिना वजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के बाद बात बिहार के गाँव की करें। बिहार के गाँव में कोरोना विस्फोट हो चुका है, लेकिन प्रशासन की नींद अभी पूरी तरह से खुली नहीं है। कई गाँव कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। आलम यह है कि पटना के गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, अब मरीज पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। कोरोना की मार बिहार के गांवों पर भी पड़ रही है। आलम यह है कि दूर दराज के गांवों में भी कोरोना लोगों की जान ले रहा है। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। पटना के मनेर इलाके में ही स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, हेल्थ सेंटर्स पर स्टाफ की कमी है, वैक्सीनेशन के लिए भी मारामारी हो रही है। मनेर का ये एक वैक्सीनेशन सेंटर है और हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। एक खास बात ये है कि कहीं भी लगातार ये बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, लेकिन यहाँ पे कोई देख सकते हैं कोई इस तरह का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोग एक दूसरे पे चढ़ के और ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। समझाने का बिल्कुल भी असर नहीं होता है, ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि मैंने अभी 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 2 मिनट पहले इनको बोला कि आप थोड़ी दूरी बनाकर खड़े रहिए, सारे कागज को आप जमा कर दीजिए, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भाड़ नहीं है। पर लोगों को इतनी जल्दी होती है या लोग इस चीज़ की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे हैं कि यह महामारी कितनी भयंकर है। देख सकते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं, लोग इसी तरह जमीन पर बैठे हुए हैं। रोहतास जिले के दरिहट गांव में बीते कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। खांसी और बुखार के बाद लोगों की मौत होने से गांव वाले परेशान हो गए। टेस्ट नहीं हो रहा है कोरोना का, ना कोई छिड़काव हो रहा है, ना मास्क वितरण हो रहा है। और यहां पर हम लोग भगवान भरोसे हैं, काली माई का अखंड ज्योति दीप जला रहे हैं हम लोग। जब प्रशासन की तरफ से टेस्टिंग और इलाज का बंदोबस्त नहीं हुआ तो ग्रामीण पूजा पाठ करने लगे। अब ग्रामीण कोरोना को दैवीय आपदा मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना के चलते गांव के मुखिया की भी मौत हो चुकी है, कई युवाओं को भी कोरोना नील चुका है। ऐसे में अब लोगों को ईश्वर से ही आस बची है। अब लोग काली माता के मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे हैं और कोरोना से बचाने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहां एक अस्पताल पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को छिपाने का गंभीर आरोप लगा है। हरिद्वार से खबर है, अस्पताल पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगा है। 65 मौतों की जानकारी सरकार को नहीं भेजने का आरोप इस अस्पताल के ऊपर लगा है। 24 अप्रैल से 12 मई के बीच 65 लोगों की मौत हुई थी। शुरुआती जांच के हवाले से हरिद्वार के डीएम ने बयान दिया है, मौतों की एंट्री करने वाला डॉक्टर उस वक्त छुट्टी पर था, यही वजह है कि इन 65 मौतों की जानकारी जो है वो सरकार को नहीं दी गई। ये डीएम की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से बयान जारी किया गया है कि मौतों की एंट्री करने वाला डॉक्टर छुट्टी पर था, वजह यही रही कि अस्पताल की तरफ से 24 अप्रैल से 12 मई के बीच ये जो 65 मौत हुई उसकी जानकारी सरकार तक नहीं। मेनली ये बात संज्ञान में आया है कि जो डेटा एंट्री और जो डेटा का रिपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है इसमें बीच में कुछ डॉक्टर्स जो है वो अवकाश में होने के कारण वो तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अपडेट नहीं कर पाए हैं करके सूचना आ रहा है। फिलहाल इसको डिटेल ढंग से जो है अभी रिव्यू करने के लिए आदेश किया हूँ। इसमें जब भी कोई डेथ होता है उसके बाद डेथ ऑडिट भी जो है एक टाइम के अंतर्गत होना चाहिए, मगर उसमें जो है किसी डॉक्टर का अवकाश में होने के कारण
उसको तत्काल जो है संकलन ना कर पाने का सूचना मिल रहा है, तो इसको जो है सुचारू रूप से ढंग से करने के लिए जो है निर्देश दिया। और चलिए बात अब अपने गांवों की कर ले। देश भर के गांव में हालात भले ही खराब हो, लेकिन हरियाणा के गांव में प्रशासन थोड़ा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। हरियाणा के गांव में सैनिटाइजेशन और आइसोलेशन की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। जींद और भिवानी में प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही है। हरियाणा के गांव में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, यही कारण है कि अब प्रशासन अलर्ट हो गया और गांव की सुध ले रहा है। तस्वीरें भिवानी की, गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है, सड़कों पर केमिकल का छिड़काव हो रहा है, बाहर घूम रहे लोगों को रोककर पूछताछ की जा रही है, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांव के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों ने एक सलाह मिलाई और इकट्ठे हुए, जिसने ये फैसला लिया कि गांव को कोरोना महामारी से इस गांव को कैसे बचाया जाए। जिसमें गांव के लोगों ने ये फैसला लिया, सबसे पहले तो गांव को सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद सभी लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि वो लोग घर से बाहर कम से कम निकले और जब भी निकले तो मास्क जरूर पहने। इधर जिंद में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्राइमरी स्कूलों और सामुदायिक भवनों में आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। कमरों में चारपाई बिछाकर आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। उचाना सब डिवीजन में प्रशासन ने कोरोना से निपटने के बंदोबस्त किए हैं। अभी सरकार की हिदायतों के अनुसार हमने गांव के अंदर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। जो इस फील्ड टीम का कार्य यह होगा कि वो गांव के अंदर जाएंगे, घर घर में व्यक्तियों की जांच करेंगे कि किसी को बुखार है, खांसी है, जुखाम है, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे। आइसोलेशन सेंटर बना दिए गए हैं, जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी इन सेंटर्स पर पहुंच जाएगी। लोगों को लक्षण होने पर टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है, जहां एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। इस बार 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन का स्टॉक जो है खत्म होने की कगार पर है। 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन की किल्लत दिल्ली में देखने को मिल रही है। सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा है कोवैक्सीन का। वहीं कोविशील्ड की अगर बात करें तो सिर्फ 5 दिन का स्टॉक दिल्ली के पास है 45 प्लस वालों के लिए। तो कोविशील्ड के 5 दिन का स्टॉक बचा है दिल्ली के पास, वही कोवैक्सीन का सिर्फ 1 दिन का स्टॉक जो है वो बचा है। यूपी और दिल्ली के साथ देश के अन्य राज्यों के गांवों में भी बुरा हाल है। झारखंड के गांव में तो सिस्टम की लापरवाही से कोरोना माई के मंदिर तक बन चुके हैं। वहां के गांव के रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड के घाटशिला के कालियाम गांव में कुल 185 घर हैं। इस गांव के 67 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 4 दिनों में 3 संक्रमितों की मौत होने के बाद कोरोना टेस्ट कराया गया, इसके बाद इस हॉटस्पॉट का पता चला। अब गांव को सील कर दिया गया है। गांव में जो है वो लगभग 200 के घर हैं, जिसमें कि लगभग 67 लोग जो है वो पॉजिटिव है। चारों ओर से गांव को जो है वो बैरिकेड करके घेर दिया गया है और गांव के बाहर किसी को जाने की इजाजत नहीं है और बाहर से भी किसी को इस गांव में घुसने की मना ही की गई है। गांव जरूर सील हो गया है, लेकिन न टेस्टिंग की व्यवस्था है और न ही प्राथमिक उपचार की। ऐसे में गांवों से कोरोना कैसे भागेगा, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। नमस्कार।